हेलो दोस्तों, एमीटेक क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कन्वेयर बेल्ट का लेंथ कैसे निकालते हैं। तो देखिए, बेसिकली कन्वेयर बेल्ट का जो लेंथ होता है उसको निकालने के लिए दो तरीका होता है। और दो तरीका क्यों होता है, क्योंकि सिचुएशन दो हो सकता है। एक सिचुएशन क्या हो सकता है कि आपका जो ड्रम है दोनों ड्रम का सेम साइज़ है, मतलब दोनों ड्रम का जो डायमीटर है वो सेम है। और एक दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि एक ड्रम बड़ा है और एक ड्रम छोटा है, मतलब दोनों ड्रम का जो डायमीटर है वो डिफरेंट है। बेसिकली ये तो रेयर केस होता है, क्योंकि जिस जगह पे मटेरियल को अगर डंप करना होता है तो उस सिचुएशन में ही इस तरह का होता है, मतलब डिफरेंट साइज का डायमीटर का ड्रम दिया जाता है, नहीं तो दोनों ड्रम का जो डायमीटर रहता है वो सेम होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस दोनों सिचुएशन में कन्वेयर बेल्ट का लेंथ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अगर दोनों ड्रम का डायमीटर सेम होगा तो इसमें क्या होगा कि अगर दोनों ड्रम का डायमीटर सेम है तो सिचुएशन में क्या होगा, जो बेल्ट है बेल्ट दोनों ड्रम का, मतलब जब लैपिंग एंगल होगा इसमें दोनों ही सेम होगा। इसमें इस ड्रम में ये हाफ सर्कल को टच करके जाएगा और इसमें भी हाफ सर्कल को टच करके जाएगा, मतलब जो पेरीमीटर है इस ड्रम का दोनों में सेम होगा। तो सिचुएशन में फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कुछ नहीं है, बड़ा ड्रम का जो डायमीटर है प्लस छोटा ड्रम का जो डायमीटर है, मतलब इसमें तो बेसिकली दोनों सेम है, पाई बाई टू। पाई बाई टू मतलब क्या है कि इसका जो पेरीमीटर है हाफ पेरीमीटर ऑफ दिस ड्रम हाफ पेरीमीटर ऑफ दिस ड्रम प्लस टू सी। टू सी क्या है, ये दोनों ड्रम का जो सेंटर डिस्टेंस है इसको हम टू सी लिए, मतलब इधर में सी है इधर में सी है, इन दोनों सी का लिए टू सी, और बाकी ए हाफ हाफ पेरीमीटर ए हाफ पेरीमीटर। इस फॉर्मूला को डी प्लस डी पाई बाई टू प्लस टू सी। तो चलिए देखते हैं कि हमने इस जो ये जो सिस्टम लिया है इसमें जो डायमीटर ऑफ ड्रम है वो 800 mm का है, मतलब दोनों का डायमीटर 800 mm है डायमीटर, और जो सेंटर डिस्टेंस है सेंटर डिस्टेंस मैंने 10 मीटर दिया है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसको 10 mm को मीटर में है और 800 को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को आता है 22.51 आता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऑलमोस्ट 23 लेंगे। नेक्स्ट दूसरा सिचुएशन में क्या हो सकता है, अगर दोनों कन्वेयर का जो ड्रम है दोनों कन्वेयर का ड्रम अगर डिफरेंट साइज का होगा तो उसमें क्या होगा, अगर दोनों का डायमीटर डिफरेंट है तो मेरा जो कन्वेयर बेल्ट बड़ा वाला जो ड्रम है उसमें ज़्यादा पोर्शन ज़्यादा पेरीमीटर उसका टच में रहेगा और जो छोटा ड्रम है उसका कम पेरीमीटर में टच करके रहेगा। तो इसमें क्या होगा, जो लैपिंग एंगल है दोनों का लैपिंग एंगल डिफरेंस होगा। तो इसमें देखिए, इसमें जो लैपिंग एंगल है ये 180 से ज़्यादा है दोनों साइड पे, और इसमें जो है ये लैपिंग एंगल मेरा 180 डिग्री से छोटा है। तो इसीलिए क्या होगा कि इसमें जो बेल्ट का लेंथ है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है। इसको निकालने के लिए हम लोग पाई बाई टू डी प्लस स्मॉल डी प्लस टू सी प्लस डी माइनस डी बाई 4c होल स्क्वायर। ये जो सेंटर डिस्टेंस मेरा सी है और इसका जो बड़ा वाला जो ड्रम है इसका डायमीटर हमने कैपिटल डी लिया है और जो छोटा वाला ड्रम है इसका डायमीटर हम स्मॉल डी लिए हैं। तो इसका जो डेटा है, मैंने बड़ा ड्रम का डायमीटर 800 mm लिया है और छोटा ड्रम का 600 mm, और जो सेंटर डिस्टेंस 10 mm लिया है। तो इसको जो हम इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो देखिए, पाई बाई टू डायमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.8 प्लस 0.6 प्लस 2 × 10 प्लस 0.8 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाई 4 × 10 होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है। इसमें आता है 22.19।
अभी देखिए, इसमें 22.19 आया और इसमें 22.51 आया, और इसको हमने क्या किया, 23 मतलब राउंड फिगर में ले लिया, और इसमें आता है 22.19। इसको हम लोग 22 भी ले सकते हैं या फिर 23 भी ले सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, हम लोगों का जो कन्वेयर का जो ड्रम होता है ना, कन्वेयर ड्रम, इसका शाफ्ट है और ये एंड पे बियरिंग के ऊपर जैसे जो फ्रेम यह है, फ्रेम के ऊपर लगा हुआ रहता है, और इसमें दोनों एंड पे एडजस्टर दिया हुआ रहता है। एडजस्टर से क्या कर सकते हैं, हम लोग जो ड्रम है, ड्रम को थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं। इसीलिए क्या किया, यहाँ पे जो बेल का लेंथ हम लोग जब कैलकुलेट किया, इसको राउंड फिगर में ले लिया, इसमें 23 ले लिया, इसमें 22 या 23 ले लिया। आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपका जो मतलब टोटल सिस्टम है, उसमें कन्वेयर बेल्ट का जो जो ड्राम है, दो मतलब बेसिकली टेल पुली में ही होता है, टेल पुली में, हेड पुली में तो हम लोगों का मोटर लगा हुआ रहता है। आपको पहले देखना होगा कि इस सिस्टम में ड्राम को पीछे या फिर आगे करने के लिए पोजीशन है कि नहीं। जैसे कि इसमें हम लोग 22.51 और इसको 23 लिया, मतलब क्या कि जो टेल पुल है, टेल पुली को थोड़ा सा पीछे की तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग 23 लिया, और इसमें क्या हुआ, इसमें 22.19 आया, इसको अगर हम लोग 22 लेते हैं तो उसका मतलब क्या है कि टेल पुल को थोड़ा सा आगे की तरफ लाना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको बेल्ट का जो लेंथ है उसको निकालने के पहले आपको सिस्टम में जाके चेक करना पड़ेगा कि आपका जो टेल पुली है, टेल पुली में एडजस्टर का डिस्टेंस आप कितना तक आगे या पीछे कर सकते हो, उसके बाद ही इस फिगर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे।